हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक न्यू मेथड फॉर इजी मल्टीप्लिकेशन, जिसे कहते हैं लैटिस मेथड। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे 485 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 32 से। सो फॉर दैट फर्स्टली वी विल मेक अ लैटिस, ठीक है। उसके लिए कॉलम वाइज हम ये डिजिट्स लिख लेंगे। 485 हम लिख लेंगे ऊपर और 32 हम लिख लेंगे नीचे, ओके जी। देन वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। फर्स्टली मेक अ लैटिस फॉर्म। हर कॉलम को हम एक डायगनल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। लाइक दिस, जैसे मैं कर रही हूँ, आप सेम वैसे ही आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 32 में से 3 डिजिट, ठीक है। तो पहले हम टेंथ प्लेस वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे अपर डिजिट से। तो 5 × 3 हमारे पास आएगा 15, 1 ऊपर और 5 राइट, ऐसे लिख लेंगे। देन 8 × 3 24 राइट है। देन वी हैव 4 × 3 12, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया पार्ट। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपर वाले को, पूरे डिजिट को। सो 5 × 2 इट्स कम आउट टू बी 10, 8 × 2 कम्स आउट टू बी 16, लिख लीजिए। अब 4 × 2 हमारे पास आता है 8। हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया अपना डायगनल ब्लॉक को, तो उसके लिए हम लिख लेंगे 0 8, ठीक है जी। अब इसके बाद, इसको लैटिस कंप्लीट करने के बाद, हम क्या करेंगे, जितने भी डायगनल डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐड करेंगे डायगनली, ओके। तो डायगनली लेट्स, अब फर्स्ट ब्लॉक के डायगनल में देखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें है हमारे पास 0, तो 0 एज इट इज़ जीरो ऐड नहीं होगा। देन वी विल गो टू नेक्स्ट में हमारे पास 3 डिजिट है जिनको ऐड करेंगे। तो 6 + 5 = 11, 11 + 1 इट्स कम्स अप टू 12, 12 का 2 ले लेंगे और 1 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इन सबको फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 15। तो 15 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, और 5 का अगेन 1 हमारे पास फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ ऐड 2 + 2 + 1 इट्स 5, और नेक्स्ट डायगनल रह जाएगा हमारा 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, वेरी इजी। सो 485 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 15,520। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।